हमीरपुर के ब्लूट कुलचा मंदिर में श्री मद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा 30 मार्च से 7 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। भागवत कथा को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। कथावाचक देवेंद्र शर्मा द्वारा लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बताया जा रहा है और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, जिससे कि सारा माहौल भक्तिमय रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। 7 अप्रैल को पूर्ण आहुति व 8 अप्रैल को मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। भागवत कथा के आयोजक ने बताया कि 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग भी दूर दूर से भागवत कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और कथा का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। हम ब्लूट निवासी इस माता को पूजा के रूप में मानते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हर एक पर्व के ऊपर, हर एक शादी के ऊपर जब तक इस माता को मनाया नहीं जाता, उस उत्सव को पूरा नहीं माना जाता। और इसके साथ साथ कुलजा माता के जो अभिभावक हैं, चलाने वाले हैं, उनकी कठिन परिश्रम से तीन साल से भागवत का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारा तीसरा भागवत है जो कि लगभग 10 दिन चलेगा और इसमें भारी संख्या में जो आस पड़ोस के गाँव हैं वो भी भाग लेंगे।